सामने के व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई। सो यहाँ पे जो है मैंने बोनलेस फ़िश रख ली है, ठीक है। अच्छी तरह मैंने जो है इसे वॉश कर लिया है, और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब भी हम फ़िश को वॉश करते हैं तो सरका और नमक के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ पोटैटोज़ जो है वो स्ट्रिप्स में कट किए हुए हैं, जो कि मैं एंड में यूज़ करूँगी। और अभी जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने शामिल करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने हरी मिर्चों का जो है वो पेस्ट बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने फिश मसाला यूज़ करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चाट मसाला है और चिली फ्लेक्स हैं, और यहाँ पर लेमन है, ब्रेड क्रम्स है और एग मैंने लिया। अच्छा, एग वाइट भी ले सकते हैं और योग के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट लेना है, 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे फिश मसाला है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अच्छा, नमक आपने जो है वो उस पर ऊपर से जो है वो शामिल नहीं करना, क्योंकि हम जो मसाले यूज़ कर रहे हैं फिश का, उसमें जो है ऑलरेडी जो है वो नमक शामिल है। चाट मसाला शामिल करूँगी और यहाँ पे जो है चिली फ्लेक्स है, सो ये जो है वो मैंने ओनली 1 टेबल स्पून जो है वो, टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट पे बताया नहीं था कि यहाँ पे हमने ब्लैक सॉस यूज़ करना है, ये भी आपने 1 टेबल स्पून करना है, ठीक है। और फिर अच्छा, आप सरका भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट यहाँ पे जो है वो मैंने लेमन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और लेमन जो है वो मैंने 2 यूज़ करने हैं, ठीक है। लेमन जूस जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे, और जब हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हो जाती है, इट्स ओके, ठीक है। सो लेमन आप देख सकते हैं और बहुत जूसी लेमन है, तो आपने एटलीस्ट 2 यूज़ करने हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसे अच्छी तरह जो है वो हमने मिक्स करना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैंने शामिल नहीं किया था, तो वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। ओनली 1 टीस्पून जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। और फिर अच्छी तरह इसे हमने मिक्स करना है, और बहुत अच्छा हरी मिर्चों का जो एक फ्लेवर है और लेमन जो है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो इसको आ रहा होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैंने एग योक को बिल्कुल साइड पे करना है, और एग वाइट जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने सेपरेट कर लिया है, और इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं बाद में। सो एग को भी हमने अच्छी तरह जो है यहाँ पे इसमें कोट करना है। अच्छा, मिक्स करके जो है वो आप हाफ़ एन आवर के लिए इसे रख सकते हैं। अभी जो है वो मेरे पास लाजमी सी बात है टाइम नहीं है आप लोगों को शो करना है, तो बस इसे मिक्स करके और मैं कोट करती हूँ और फिर फ्राई करते हैं इसे ना। सो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, स्ट्रिप्स को 1 बाय 1 जो है यहाँ पे कोट करना है ब्रेड क्रम्ब में। अच्छा, कोटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर ये फ्राई भी बहुत मज़े के होते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। अगेन एंड अगेन, और फिर हमने इस तरह लेना है, बहुत मज़े की बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छा सा एक ये मील जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसकी लुक, तो 1 बाय 1 मैं सारे करती हूँ, फिर आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने सारी फिश जो थी इसको जो है, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ये मुश्का फ़िश है, ठीक है। इसका बोनलेस जो है वो मैंने बनवाया है, और अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कुछ पोटैटो जो है वो कट करके रखे हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना कुछ फ्रेंच फ्राइज भी इसके साथ जो है वो बना लिया जाए, तो जस्ट इस पर जो है वो मैंने स्टार्ट में कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। और अभी मैंने इसमें कुछ चीज़ें जो है वो शामिल नहीं की हैं,
और मेक श्योर कर लिया करें कि जब भी आपने पोटैटो फ्राइज बनाने हैं तो वो जो है वो ड्राई हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर में शामिल करना है। अच्छा, अब जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैंने क्या करना है, इन फ्राइज़ को जो है वो फ्राई करना है और फिश भी फ्राई करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया था और अब यहाँ पे मैं फिश फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, सी फूड जो भी आप पे फ्राई करते हैं या कुक करते हैं उसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे जो है वो आप पे नहीं फ्राई करना होता, ठीक है, क्योंकि सी फूड जो होता है वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, तो बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती इसे। और यहाँ पे जो है मैं फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह जो है फिश फ्राई हो रही है, तो वन साइड हो जाए तो फिर मैं टर्न करती हूँ और फिर अब फाइनली जो है वो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बिकॉज़ ये होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिश रखी हुई है और यहाँ पे जो है फ्राइज बहुत मज़े के जो है वो बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो फिर मैं फाइनली डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है फिश मेरी डन हो चुकी है और यहाँ पे मैंने फ्राइज़ रखे हुए हैं, ठीक है, और आप ये फिश देख सकते हैं। अब एंड में हमने क्या करना है, थोड़ा सा चाट मसाला इस पर मैंने शामिल करना है और यहाँ पे लेमन है और यहाँ पे हरी चटनी भी थी, तो लेमन जो है वो मैंने इस पर शामिल कर दिया है। केचप है यहाँ पर और यहाँ पे जो है फ्राइज रखे हैं। सो आज का जो डिनर है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है मैंने रेडी कर लिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी, आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है यम्मी से फ्राइज रखे हुए। ओके व्यूअर्स, तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।